Kasturi Day speaking on the circulatory system according to ICSE syllabus class 6. We know that all human beings and animals need food and oxygen to remain alive. Simultaneously, they give out certain harmful substances like carbon dioxide and metabolic wastes. The intake of nutrients and oxygen along with the removal of the above mentioned wastes are carried out through blood by a transport system called cardiovascular system or circulatory system. The transportation is carried out mainly by the blood. The blood is transported to all parts of the body by the pumping organ, that is heart and the blood vessels. ये circulatory system के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे human beings और animals को food and oxygen की जरूरत है बचने के लिए. ये जैसे हम लोग food और oxygen को लेते हैं, उसी तरह हमें harmful substances को बाहर निकाल फेंकना है, जैसे कि carbon dioxide and metabolic waste. ये जो प्रक्रिया है हमारे अंदर लेने की न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को लेने की और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने की, ये सारे प्रक्रिया ब्लड के द्वारा होता है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा काम करता है, जिसके लिए जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाते हैं. द ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के द्वारा होता है और उसको कंट्रोल करता है हार्ट, जिसको पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, और द ब्लड वेसल्स. ये सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. टुगेदर द ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स एंड its flow is regulated by the heart. The heart acts as a pump. It pushes and receives the blood to and from the whole body through the vessels. ये जो circulatory system है, ये तीन भाग में विभक्त है, जो blood, blood vessels और heart कहलाते हैं. ये together, ये चार तीनों मिलके एक transport system बनाता है, जो कि transport करता है body में blood को, और ब्लड फ्लो करता है ये ब्लड वेसल्स के द्वारा और रेगुलेट करता है हार्ट. जैसे मैंने बताया पहले कि हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, जो कि ब्लड को पुश करता है और रिसीव करता है फ्रॉम द होल बॉडी ब्लड वेसल्स के द्वारा. ब्लड इज रेड इन कलर एंड इट्स अ फ्लूइड एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स. Corpuscles, plasma is the liquid part, corpuscles is the cellular part. Corpuscles is the divided into three parts, three types of corpuscles: red blood cell or erythrocytes, white blood cell or leukocytes, platelets or thrombocytes. Blood red color ka hota hai, lal rang ka, jo ki ek fluid hai. और ब्लड को दो भाग में विभक्त किया गया है, जिसको प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट होता है, और एक सेलुलर पार्ट होता है जिसको कॉर्पसल्स कहते हैं. कॉर्पसल्स तीन तरह का होता है, जैसे रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स. जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा विच इज द लिक्विड पार्ट, इट्स येलोविश इन कलर एंड मोस्ट ऑफ इट, दैट इज 90% ऑफ प्लाज्मा इज वॉटर. रिमेनिंग 10% कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हॉर्मोन्स. बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व मिनरल्स लाइक सोडियम क्लोराइड इन प्लाज्मा, ब्लड टेस्ट सॉल्टिश. प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट है, वो येलो कलर का होता है. 90% ऑफ प्लाज्मा वॉटर होता है. रिमेनिंग जो 10% है, वो उसमें डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स रहता है, प्रोटीन्स रहता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रहता है और हार्मोन्स रहता है. इस प्लाज्मा में जिस कुछ मिनरल्स डिजॉल्व रहता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिसके चलते ब्लड का टेस्ट थोड़ा सॉल्टिस होता है, नमक या जैसे खाने में होता है. Corpuscles, the cellular part, that is the first cell type comes as erythrocytes, that is the red blood cell or RBC. Okay,
Now, the red blood cells are circular or biconcave disc type. It's a mature RBC, lacks a nucleus. Red color is due to the presence of iron and protein compound that is called hemoglobin, which acts as an oxygen carrier. In human blood, more than 2 million RBCs get destroyed every second, but they are replaced immediately by the new ones. RBC, जो कि एरिथ्रोसाइट्स होता है, पहला टाइप का जो कॉर्पसल है, एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी कहलाते हैं और रेड ब्लड सेल कहलाते हैं, जिस जो सर्कुलर और या बाइकॉनकेव डिस्क की तरह दिखने में होता है और शेप उसका बाइकॉनकेव डिस्क होता है. और मैच्योर आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता. इसका रेड कलर होता है, एक आयरन और प्रोटीन कंपाउंड एक होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके चलते रेड कलर होता है इस सेल का और ब्लड का कलर भी लाल होता है. ये हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियर का तरह काम करता है. ह्यूमन ब्लड में 2 मिलियन से भी ज्यादा आरबीसी एक सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो रिप्लेस भी होता है इमीडिएटली नया आरबीसी के द्वारा. Now, white blood cells or WBC or leukocytes, they are colorless, lack hemoglobin, larger than RBC, have distinct oval or lobed nucleus. Many main function is to protect us from disease-causing germs, that is provide immunity to the body. And that is done in two ways. Some RBCs surround the germs and digest them, and some WBCs surround the germs and digest them, and some WBCs produce special chemicals, antibodies which destroy the germs. तो ये white blood cell जो दूसरे तरह का cell होता है blood में, उसको leukocyte भी कहलाते हैं, जो कि कोई किसी रंग का नहीं होता, कलरलेस होता है. इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता. ये आरबीसी से बड़ा होता है. इसमें न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है, जो कि ओवल या फिर लोब्ड होता है. और इसका मेन फंक्शन होता है जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स होता है उससे हमारे बॉडी को बचाना, जिससे हमको हमारे बॉडी को इम्यूनिटी मिल सके. ये दो तरह से होता है ये WBC का फंक्शन. एक तो होता है WBC जो जर्म्स होता है, जर्म्स के सराउंड कर देता है ये WBC और उसको निगल लेता है. और इसमें कुछ WBC होता है जो कि एक स्पेशल केमिकल निकालता है जिसको एंटीबॉडी कहलाते हैं. वो इस जर्म्स को जो डिजीज करता है, डिजीज कॉजिंग जर्म्स को मार डालता है. ओके, नाउ द प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स समवट राउंड इन शेप, द स्मॉलेस्ट इन साइज, हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विच प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस एंड डायरेक्ट एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स इन टू द ब्लड थ्रू कट्स एंड ओपन वूंड्स. थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स जो होता है वो कुछ राउंड शेप का होता है, वो छोटा, बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है जो सेल होता है ब्लड में, बहुत छोटा होता है. और ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है. जब वो कट जाता है, जैसे ब्लड ज्यादा फ्लो नहीं हो, इसको रोकने के लिए ये प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की जरूरत होता है इसमें. और जो जर्म्स होता है, जो कट या फिर ओपन जो घाव होता है, उसमें से कोई जर्म्स अगर एंट्री कर जाता है, उसको रोकने के लिए ये प्लेटलेट्स होता है. तो प्लेटलेट्स का दो फंक्शन होता है, एक तो ब्लड लॉस ज्यादा ना हो और डिजीज जो जर्म्स जो एंट्री करता है थ्रू कट्स और ओपन वूंड से, उसको मार डालना. ओके, इन सर्टन डिजीजेस लाइक पुरपुरा एंड डेंगू द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स गेट रिड्यूस टू ग्रेट एक्सटेंट. इन डेंगू फीवर द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कैन बी रिड्यूस टू एज लो एज 25 to 30,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड एंड द बॉडी शोज ब्लीडिंग सिम्टम्स. Delhi and many other parts of the country lose a number of lives because of dengue fever every year. In an adult human body, there is about
4.5 to 5 liters of blood, which forms the most amazing transport system in the blood. And this is the cellular diagram of the blood. These are the red blood cells, red color. This without the nucleus. This is the white blood cells with the lobed nucleus, prominent lobed nucleus. And these small are the platelets. And this is the plasma. Yellowish color is the plasma, right? Okay. कुछ डिजीज होता है जैसे कि पुरपुरा और डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है. डेंगू फीवर में प्लेटलेट की संख्या 25 से 30,000 पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्लड हो जाता है. हो भी सकता है ऐसा. जहां पे ब्लीडिंग का सिम्टम्स दिखाई देता है दिल्ली और बहुत सारे पार्ट्स ऑफ आर कंट्री का बहुत सारा पार्ट्स में भी ये हम बहुत सारा लाइव्स लूज करते हैं ड्यू टू डेंगू फीवर. एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 4.5 टू 5 लीटर्स ऑफ ब्लड हमारे बॉडी सिस्टम में रहता है जो कि ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की काम करता है. ये ब्लड सेल का एक ब्लड का एक पिक्चर है जिसमें ये जो रेड कलर का होता है ये न्यूक्लियस जिसमें नहीं है ये है रेड ब्लड सेल. ये है व्हाइट ब्लड सेल जिसमें एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है लोब न्यूक्लियस. ये छोटा छोटा जो होता है वो है प्लेटलेट्स. और ये जो पीला कलर का है ये है प्लाज्मा. नाउ वी कम टू द फंक्शंस ऑफ द ब्लड. It transports the nutrients from the small intestine to the liver where they are either stored or utilized. It carries oxygen from the lungs to the body cells and carbon dioxide produced in them to the lungs from where it is breathed out. It carries the waste products for excretion to the kidneys. It maintains the water balance in the tissues. It regulates body temperature by distributing the heat produced in the tissues to different parts of the body. It provides immunity by destroying the disease-causing germs. It prevents excessive bleeding by the formation of blood clots. Blood का क्या function है? ये हमारे body में जो nutrients होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं, वो small intestine से liver तक लेके जाता है, जहाँ पे वो store होता है और utilize होता है बाद में. वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है जो कि लंग्स से बॉडी सेल्स तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस होता है सेल्स में उसको ले जाता है लंग्स में जहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है. वे वेस्ट प्रोडक्ट्स कैरी करता है एक्सक्रीशन के लिए किडनीज में. और It maintains water balance. Water balance भी maintain करता है tissue में. Body temperature regulate करता है. Heat को distribute करता है. Body parts में सारे body parts में जो कि tissue में produce होता है उसको सारे body पे फैला देता है. Immunity produce करता है जो कि disease causing germs को destroy करके मिलता है. और ये excessive bleeding को भी बंद कर देता है by forming clots. Now this is the end of the functions of the blood. I'll come in the next video with the blood vessels and the heart. Thank you.